हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 111 111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष एंड आई एम लाइव राइट नाउ। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। लाइव चैट बॉक्स में ज़रूर कमेंट छोड़े, मुझे बहुत खुशी होगी आप सबके कमेंट्स को पढ़ के। एंड लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को शुरू होने से पहले। तो आज की जो रीडिंग होगी वो होगी नो कॉन्टैक्ट के ऊपर। जो इंसान के साथ आपकी कांटेक्ट नहीं है वो इंसान आपको कब कांटेक्ट करेंगे, और क्या सोच रहे हैं वो करंटली, ये हम देखेंगे, ये दोनों चीज़ें, ठीक है। तो आज मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ, सो जो यहाँ पर चॉइसेस हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आज दो ग्रुप्स हमारे पास मौजूद है। फर्स्ट वन इज़ योर एमेथिस्ट क्रिस्टल। अगर आपके पर्सन का, यानी कि जिस इंसान के साथ आप जानना चाहते हो कि कॉन्टैक्ट कब होगी और उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है, तो आपको इस एमेथिस्ट को चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको इस रोज क्वार्ट्ज़ को चूज़ करना है, ठीक है। तो ये है ए टू एम एंड ये है एन टू जेड। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हो। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। वैसे पेड रीडिंग्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज, मिस्ट या फिर टायरो या कैंडल क्लासेस के लिए आप मुझे केवल व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। सो सबसे पहले चेक करेंगे ग्रुप नंबर वन की, कि अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, एंड वो आपसे क्यों कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं एंड कब तक कांटेक्ट करेंगे, ये भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो इसको यहाँ पर मैंने प्लेस कर दिया है, तो लेट्स सी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, ओके। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, we have seven of swords, okay, we have three of swords, okay। सो करंटली यहाँ पर दिख रहा है ग्रुप नंबर वन आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में, कि आपके जो पर्सन हैं करंटली वो बहुत ज़्यादा आपको लेकर इमोशनल फील कर रहे हैं, ठीक है। उनको मन है आपसे बात करने का, उनके अंदर प्यार की भावना जो जागी है वो उन्हें महसूस भी हो रही है, उन्हें आपके टूवर्ड्स एक अट्रैक्शन फील हो रहा है, उन्हें आपके टूवर्ड्स अच्छा फील हो रहा है, उन्हें मन कर रहा है आपको देखने का, बात करने का, आपके करीब आने का, आपको प्यार शो करने का, ठीक है। आपके साथ प्यार, बेसिकली आपको प्यार करने का मन कर रहा है इन्हें, कडल करने का मन कर रहा है इन्हें, पैम्पर करने का मन कर रहा है इन्हें। सो ये फीलिंग्स मुझे दिख रही है, बट ये पर्सन अपने इस इमोशन से पीछे भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है, वो फील कर पा रहे हैं कि उन्होंने आपके ज़िंदगी में वो जगह खो दिया जो जगह उन्होंने कमाया था, या फिर आपने उनको वो जगह दी थी, ठीक है। तो उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनकी खुद की गलती रही है जिसकी वजह से नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन हुआ है, ठीक है। कहीं ना कहीं हो सकता है इस पर्सन ने आपको चीट करा, या थर्ड पार्टी की बात मानी, या फिर बाकी चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, तो इस पर्सन को वो सारी चीज़ें समझ आ रही है, कि मैंने ये गलतियाँ करी है जिसके वजह से आज हम दोनों अलग हैं, या आज हम दोनों की बात नहीं हो रही है, या आज हम दोनों की सिचुएशंस ख़राब हो चुकी हैं। तो जब गलती मेरी है, जब मैंने अपने हाथों से इस रिश्ते का गला घोटा है, तो फिर मेरा ये मेरे ऊपर ये शोभा भी नहीं देता कि मैं सामने से प्यार जताने जाऊँ, या मैं सामने से ऐसा प्रिटेंड करूँ या ऐसा शो करूँ कि कुछ हुआ ही ना हो। और इतनी छोटी भी गलती नहीं है कि मेरे जाने से ही सब कुछ सही हो सकता है। तो आपके पर्सन यही सारी चीज़ों को सोच कर उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी जो गलती है वो माफ़ी के लायक नहीं है, और वो इंसान प्यार पाने के लायक नहीं है। और उनका प्यार अगर आपको मिले तो वो भी मुझे लग रहा है कि आप पसंद नहीं करोगे लेना, क्योंकि उनकी गलती हो सकता है बहुत बड़ी रही है। अगर नहीं भी रही है तो आपके पर्सन को तो लगता है कि उन्होंने बहुत गलती करी है, एंड उस वजह से अपने इमोशन को डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें ज़्यादा सोचना ना पड़े, ठीक है, उन्हें उनके ऊपर ये इमोशंस हावी ना हो, क्योंकि वो पागल हो जाएंगे, फिर आपके बिना नहीं रह पाएंगे। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है, ठीक है। सो चलिए फिर भी डिटेल में एक बार चेक करते हैं कि
ये जो पर्सन है वो क्यों आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्या है असली वजह। ओके वी हैव क्वेस्ट, वी हैव परसेप्शन। येस, सो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन की माइंड सेट कहीं ना कहीं फिक्स हो चुकी है एक ही बात पे कि मैंने खुद गलतियाँ करी, मैंने खुद खराब करी, मैं ही दोषी हूँ, मेरी वजह से सब हुआ। तो अब ये चीज़ यू नो मेरे पे अच्छी नहीं लगेगी और उसके लिए भी अच्छी नहीं होगी कि मैं प्यार जताने जाऊँ, मैं बात करने जाऊँ, मैं चीज़ों को सही करने जाऊँ, क्योंकि उस लायक मैं हूँ ही नहीं कि मैं सही भी कर पाऊँ सिचुएशन को या इस रिश्ते को। ठीक है, तो ये पर्सन को कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये मुंह दिखाने के लायक नहीं है आपसे, तो ये किस तरीके से चीज़ों को ठीक करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा बिहेव या ऐसी चीज़ें करी है जो कि माफ़ी के काबिल नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन। हो सकता है आप माफ़ करने के लिए रेडी हो, आपके लिए इट्स नॉट अ बिग डील, बट फॉर दिस पर्सन इनकी परसेप्शन वहाँ पर अटकी है एंड इसी परसेप्शन के इसी माइंडसेट के वजह से आपके पर्सन का दिमाग मझधार में फंसा हुआ है। ठीक है, उनका मन है, उन्हें उनके उनके अंदर प्यार पनप रहा है, उनका मन कर रहा है आपसे बात करने का, आपको कांटेक्ट करने का, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बैक एंड फोर्थ एनर्जी में, करूँ ना करूँ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सो ऐसे ही एनर्जी में आपके पर्सन मुझे चलते हुए पूरे तरीके से नज़र आ रहे हैं गाइस। ओके, सो और भी कार्ड्स देखेंगे। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपके पर्सन को लग रहा है कि वो बदले नहीं हैं, इनके अंदर अभी भी वो सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों से ओवरकम भी नहीं किया है उन्होंने अभी तक। सो किस तरीके से आपसे बात करें, ठीक है, और अगर प्यार भी करने जाएंगे तो वो आपके लिए इनजस्टिस होगा, क्योंकि वो सारे इस सिचुएशन से निकले नहीं हैं पूरी तरीके से, उनके बिहेवियर में पूरी तरीके से चेंजेस नहीं हुई है। तो आप ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि अब ये किसी भी तरीके से आपको हर्ट करे, दुख दे, या उनके वजह से आपका लाइफ रुक जाए, आपके लाइफ में प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन, तो आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं कि उन्हें समझ आ रहा है इस रिश्ते की इंपॉर्टेंस को समझ पा रहे हैं, इस प्यार के इंपॉर्टेंस को समझ पा रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं आप दोनों का रिश्ता कितना स्ट्रांग था और कितना सब कुछ अच्छा होता अगर उन्होंने ये सारी चीज़ें या ये सारी गलतियाँ नहीं करी होती, जिससे आज आप दोनों की नौबत ऐसी आई है कि आप लोग बात तक नहीं कर पा रहे हो, एक दूसरे की आवाज़ तक नहीं सुन पा रहे हो। सो दे आर वेरी मच इन गिल्ट एंड रिग्रेट एज वेल। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। सो दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी एंड ऑल्सो अपने आप को वो इतना ज़्यादा, वो अपने नज़रों में इतना ज़्यादा गिर चुके हैं आपके पर्सन कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि कैसे प्रायश्चित करें, क्योंकि बहुत बड़ा पाप हमसे हुआ है। ठीक है, ऐसे माइंडसेट में आपके पर्सन मुझे क्लियरली दिख रहे हैं। सो चलिए देख लेते हैं कि कब तक कॉन्टेक्ट करेंगे आपको। लेट्स सी कि आपके जो पर्सन हैं वो कब तक आपसे बात करेंगे, कब तक आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। वी हैव सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सो देखिए ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। ठीक है, कुछ घंटों के अंदर, कुछ दिनों के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ लीजिए एक वीक के अंदर। ठीक है, एक वीक के अंदर अंदर ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे। लेकिन हाँ, इनके बात करने के तरीकों में या इनके बात करने में आपको नज़र नहीं आएगा कि ये कुछ सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, आपको नज़र आएगा कि बस नॉर्मली बात कर रहे हैं, या बहुत माफ़ी मांगना या बहुत क्लोज आने की कोशिश, ये सब नहीं होगा। जस्ट दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट टू यू, कि एक स्टेबल कनेक्शन बने फिर से, और फिर से एक प्रॉपर कम्युनिकेशन रहे जहाँ पे ना झगड़े हो, ना कुछ हो, ना प्यार हो, लेकिन पहले ठीक ठाक बात होनी शुरू हो जाए नॉर्मल तरीके से भी, जैसे कि क्या कर रहे हो, कैसे हो, कहाँ पर हो, खाना खाया या नहीं, घर पे हो या नहीं, इस तरीके से वो
कॉन्टैक्ट करेंगे या नॉर्मल तरीके से बात करेंगे, तो आपको थोड़ा लग सकता है कि आ रहे हैं तो कुछ बोल क्यों नहीं रहे, ना रोमांटिक कुछ बोल रहे हैं, ना गुस्सा कर रहे हैं, ना माफ़ी मांग रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। तो ये डेफिनेटली टाइम लगेंगे अपने अंदर की ये इस चीज़ों को सॉल्व करके, ये चीज़ों को एक्सप्रेस करना आपके सामने, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। बट येस, कॉन्टैक्ट बहुत ही जल्द करेंगे, कुछ घंटों से लेके कुछ दिन से लेके मैक्सिमम पकड़ लीजिए एक हफ्ते के अंदर। जब भी इस रीडिंग को देखें, कुछ घंटे से लेकर एक हफ्ता यानी कि 7 दिनों के बीचों बीच डेफिनेटली दिस पर्सन विल कॉन्टैक्ट यू। ओके सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके सो अब हम नेक्स्ट ग्रुप की तरफ बढ़ जाते हैं गाइस। ओके आज अब हम ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग देख लेते हैं। थैंक यू गॉड यूनिवर्स एंजल्स फॉर द प्रेडिक्शन। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2। Let's see. So, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर N से Z के बीच में आता है और आपने इस रोज क्वार्ट्ज़ को चूज़ किया है, तो देख लेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है एंड वो आपसे क्यों बात नहीं कर रहे हैं, क्यों कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, और अगर करेंगे तो कब तक कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हो गाइज। ओके सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इसे मैंने यहाँ प्लेस कर दिया है। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। ओके वी हैव 2 ऑफ कप्स, वाव। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अगेन वाव। ओके सो वी हैव 2 cards for you people. Okay, so total 4 cards. We have Page of Swords and the Hierophant card. So देख लेते हैं कि आपके person की current feelings क्या है आपके लिए। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि ये person बहुत ही ज़्यादा romantic and loving and आपके towards एक magnetic pull feel कर रहे हैं currently. उन्हें ऐसा मन हो रहा है कि बस वो आपके पास आए एंड आपको कडल करे, प्यार करे, पैम्पर करे, आपके प्रेजेंस को महसूस करे और आपके साथ टाइम स्पेंड करे बेसिकली, ठीक है। एंड ऑल्सो मुझे दिख रही है कि इस फीलिंग में, इस पर्सन के दिल में बहुत सीरियसनेस, मैच्योरिटी नज़र आ रही है कि वो कुछ लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं आपके साथ, कि हमें जो करने का मन हो रहा है, काश हम इनके साथ हम लाइफ टाइम कर पाए, काश ये हमारी ज़िंदगी में ज़िंदगी भर रहे, काश ये हमारे लाइफ पार्टनर बन के रहे, काश हम दोनों का साथ हमेशा बना रहे। ऐसे थॉट्स एंड फीलिंग्स में करंटली आपके पर्सन चलते हुए मुझे क्लियरली नज़र आ रहे हैं। सो दे आर वेरी मच पैशनेट एंड लविंग टूवर्ड्स यू। एंड ये इंसान आपको भी स्टॉक कर रहे हैं करंटली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। स्टॉक इन नॉट इन अ बैड वे, बट मुझे दिख रहा है कि अगर उनके पास आपके पिक्चर्स, वीडियोज़ या ऑडियोज़ हैं, वो सबको देखना खोल खोल के बार बार गैलरी में जाकर, या आपके अकाउंट्स को खोलकर आपके पिक्चर्स वगैरह देखना, या आप दोनों के साथ में अगर कोई वीडियो, पिक्चर्स, मेमोरीज है उसे देखना बार बार, तो ये चीज़ ये करंटली कर रहे हैं, ठीक है। एंड वो सारी चीज़ों को देखते हुए वो बहुत अच्छे पलों को याद कर रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। एंड बस उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब अगर कुछ भी प्रॉब्लम है और नो कॉन्टैक्ट है तो सब कुछ वो ठीक कर ले और एक ऐसा कमिटमेंट में आए जो कि एकदम लाइफ टाइम का हो, जिसमें स्टेबिलिटी हो और जिसमें कंसर्न हो कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, अब हम कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे इस रिश्ते में, इस रिश्ते में दूरियों को बढ़ने नहीं देंगे। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मच्योर हो रहे हैं एंड कहीं ना कहीं वो यूनियन के बारे में सोच रहे हैं, रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, कैसे लाइफ टाइम आप दोनों साथ बिता सकते हो, उस स्ट्रैटेजीज़ के बारे में सोचे जा रहे हैं। तो आपके पर्सन इस वक्त माइंड ब्लोइंग इमोशंस एंड फीलिंग्स में मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं, बहुत खुश हैं आपके पर्सन, बहुत खुशी के साथ और बहुत अंदर प्यार लेते हुए ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, मिस कर रहे हैं एंड आगे फ्यूचर प्लानिंग भी ये ऑलरेडी कर रहे हैं। तो अब देख लेते हैं कि जब इतनी प्लानिंग से इंसान कर रहे हैं तो कॉन्टैक्ट क्यों नहीं हो रहा है, कॉन्टैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, ये भी चेक करते हैं, ठीक है। We have faith. We have abundance.
ओके सो देखिए इस पर्सन को आपसे भी कुछ एक्सपेक्टेशन है टू बी वेरी ऑनेस्ट. देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपको कॉन्टैक्ट करेंगे. ऐसा नहीं है कि ये कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहते या इनको कोई एनर्जी रोक रही है. ना इनको कोई एनर्जी रोक रही है ना ये खुद अपने आप को रोकना चाहते हैं. ये चाहते हैं आपसे कॉन्टैक्ट करना, खुद से बात करना, आपको कॉल मैसेज करना, लेकिन ये पर्सन आपसे भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन हो सकते हैं दूसरे लवर्स को देखते हैं एंड दूसरे लवर्स को देखते हुए कहीं ना कहीं कंपैरिजन में है कि अगर इसे प्यार होगा तो ये भी मुझे मैसेज करेगा या करेगी. सो कहीं ना कहीं ये देखना चाहते हैं कि आपको कितना इफेक्ट पड़ता है अगर ये कॉन्टैक्ट करना बंद कर देते हैं, और अगर पड़ता है इफेक्ट तो किस हद तक पड़ता है, कितने एक्सटेंड तक आप आपको फ़र्क पड़ता है ना, आप उसके लिए एफर्ट डालते हो ताकि कॉन्टैक्ट बना रहे, कॉन्टैक्ट टूटे ना. ठीक है. सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि कॉन्टैक्ट होने में आप दोनों के बीच में कोई ऐसा सच दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आप दोनों की कॉन्टैक्ट हो जाएगी बिकॉज दिस पर्सन इज़ इन देयर विलिंगनेस मोड. ठीक है, उनके मन में चाहत है बात करने की और करना भी चाहते हैं, खुद से भी इनिशिएट करना चाहते हैं, बट आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी करो. और ऐसा नहीं कि बस आपने एक बार मैसेज किया और उन्होंने इग्नोर मार दिया, तो नहीं करो. दे वॉन्ट टू टेस्ट यू, वो आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं कि किस हद तक आप एफर्ट डाल सकते हो या किस हद तक उन्हें चाह सकते हो या किस हद तक आप उनसे बात करने के लिए तड़प सकते हो. ये एक मेन रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से हो सकता है कि आप उन्हें मैसेज करते हो, कॉल करते हो, बट वो रिसीव नहीं करते. ठीक है, ये जो है थोड़ी सी टॉक्सिक आप बोल सकते हो, क्योंकि अगर आप एक बार आपने, दो बार आपने किया, उन्होंने इग्नोर मारा, दैट्स राइट, बट अगर बार बार किए जा रहे हो और वो टेस्ट लिए जा रहे हैं तो इट इज़ समथिंग वेरी टॉक्सिक. बट स्टिल देन अलग अलग पर्सन की अलग अलग माइंडसेट होती है. तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर आपने बहुत मैसेज करा है फिर भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है तो वेट कर लीजिए. दिस पर्सन विज डेफिनेटली कॉन्टैक्ट यू. और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको मैसेज करना चाहिए था, कॉल करना चाहिए था, जो आपने किया ही नहीं है, तो आप भी इनिशिएट कर सकते हो, आप भी उन्हें कॉल मैसेज भेज सकते हो, तो आप दोनों की फिर से कम्युनिकेशन या कनेक्शन अगर टूट गई है तो वो भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी. ठीक है, सो नो इश्यूज़ एट ऑल. चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं. जस्ट अ सेकेंड. ओके, वी हैव, देयर इज सो मच आई वॉन्ट टू से टू यू. डेफिनेटली बात करने के लिए तरफ रहा, और इनके पास बहुत कुछ है आपसे शेयर करने के लिए. बहुत ज़्यादा प्यार से आपसे बात करना चाहते हैं, रोमांस करना चाहते हैं, अपने लाइफ के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें कहना चाहते हैं, एंड आई एम नॉट अवेलेबल. तो दिस पर्सन इज प्रिटेंडिंग सम हाउ. सो इफ़ यू आर सीइंग कि आप मैसेज कर रहे हो या कुछ है एंड रिप्लाई नहीं मिल रहा या इग्नोरेंस है या फिर आपको अपने पर्सन की तरफ से कुछ मैसेज वगैरह मिल ही नहीं रहा है, तो दिस पर्सन इज प्रिटेंडिंग एज इफ दे आर नॉट अवेलेबल एंड दे आर टोटली बिजी इन देयर लाइफ एंड दे आर लीस्ट बॉदर्ड. ठीक है, तो ये उनकी एक्टिंग है जो कि वो आपको टेस्ट ले रहे हैं, या थोड़ी सी मेच्योरिटी या थोड़ी सी चाइल्डिश एनर्जी इनकी कह सकते हो, जिसके वजह से आपको इनके अंदर ये चीज़ देखने को मिलेगी. बट डोंट वरी, दिस पर्सन विल डेफिनेटली कॉन्टैक्ट यू. चलिए देख लेते हैं कि कब तक कॉन्टैक्ट करेंगे. वी हैव लवर्स कार. ओके, सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो 4 to 6 days में से इधर आपको मैसेज करेंगे. ठीक है, और एल्स आपको 6 weeks का वेट करना पड़ सकता है. ठीक है, या फिर आप खुद भी इनिशिएट अगर करोगे तो भी जल्दी आपकी बातचीत शुरू हो सकती है. बट इनके तरफ से ही अगर आपको चाहिए कॉन्टैक्ट तो विद इन 4 to 6 days और एल्स आफ्टर 6 weeks. ठीक है, ये टाइमिंग यहाँ पर क्लियरली दिख रही है. सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग. आई होप आपको पसंद आए. अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज. एंड आप लोगों को मैं क्रिस्टल्स के बारे में बहुत बार बताती हूँ, बट फिर से बता देती हूँ कि अगर आपके लव लाइफ में इश्यूज़ हैं एंड लव लाइफ को और भी बेहतर, स्ट्रांग बनाना चाहते हो एंड लव लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करते रहते हो वो रियलिटी में चाहते हो कि मिल जाए जल्द से जल्द, उन सारी चीज़ों के लिए, सेल्फ लव के लिए, एग्जिस्टिंग कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ग्लोइंग स्किन के लिए, आप डेफिनेटली इस एनर्जाइज्ड रोज ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो. ओके, एंड ये आपके इश्यूज एंड आपके डिटेल्स के अकॉर्डिंगली ही पर्सनलाइज्ड वे में ही एनर्जाइज की जाएगी. सो अगर आपको चाहिए आप डेफिनेटली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. साथ में और भी ब्रेसलेट्स हैं, क्रिस्टल्स हैं अलग अलग तरीके के. यहाँ पे जो जो अभी मेरे पास है मैं आपको दिखा देती हूँ. ये है माइंड सोल हीलिंग के लिए, ये है मनी मैग्नेट
ब्रेसलेट, ठीक है, आपके लाइफ में मनी को बढ़ाता है, अर्निंग बढ़ाता है, प्रोफेशनल लाइफ बेहतरीन बनाता है। तो इस तरीके के और भी तरह तरह के क्रिस्टल्स हैं जो कि अलग अलग चीज़ों में काम आते हैं, हेल्प करते हैं आपको लाइफ में और भी ज़्यादा ग्रो करने में, फोकस रखने में, बैलेंस रखने में। ओके, सो अगर आपको कोई भी क्रिस्टल चाहिए मैनिफेस्टेशन के लिए, अट्रैक्शन मिस्ट अगर आपको चाहिए कि आप घर बैठे इजीली कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, टेक्निक्स वगैरह आप अप्लाई नहीं कर पाते हो, हार्ड लगता है आपको या नहीं हो पाता आपसे, तो आप घर बैठे मिस्ट, एक स्प्रे बॉटल मैं आपको दिखा देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए, ये है अट्रैक्शन मिस्ट। इसे आप स्प्रे करके कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो घर बैठे, ठीक है, और रिजल्ट भी आपको जल्दी मिल जाता है, और इसे आप आपके फैमिली मेम्बर्स कोई भी यूज़ कर पाएंगे लेने के बाद, ठीक है। सो और भी मिस्ड है, बाकी जानकारियों के लिए, ऑर्डर प्लेस करने के लिए व्हाट्सएप में, इंस्टा में कॉन्टैक्ट करें। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।